राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी बुधवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई। साथ ही भी बताया गया कि इलाके का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 19 और 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बता दें कि दिल्ली NCR में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में दिन में ठंड और सुबह तथा रात के समय घने कोहरे का प्रकोप रहेगा। वहीं भारतीय रेलवे के अनुसार उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें मंगलवार सुबह 1 से 5 घंटे देरी से चलेगी। वहीं IMD के आंकड़ों के मुताबिक इस बार जनवरी में दिल्ली में 5 सर्द दिन रहे और 5 दिन शीतलहर की स्थितियां बनी रही, जो बीते 13 साल में सबसे ज्यादा है। वही बात अगर अन्य राज्यों की करें तो झारखंड के कई जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि राजधानी रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बने सर्कुलर की वजह से ऐसा होने की आशंका जताई गई। बताया जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को झारखंड का मौसम साफ रहेगा और बिहार शीतलहर के चपेट में है। कोहरे की वजह से कई जिलों में धूप तक नहीं दिख रहा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार की कई जिलों में भीषण शीत दिवस घोषित किया गया, साथ ही इसमें उद्धार होने की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। बिहार के सभी जिलों या जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, जबकि 6 जिलों में तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। आज भी मौसम ऐसे ही रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। अनेक जगह घना कोहरा छाया रहा और अलवर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार शीतलहर का दौर अभी जारी रहने का अनुमान है। वहीं कश्मीर भीषण शीतलहर की चपेट में है और घाटी में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने का असर कब से सभी राज्यों में दिखेगा, ये लोगों के मन में सवाल है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।